नमस्कार दोस्तों, अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डीजे गुरुजी में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है हमारे इंडियन डीजे एक्सपो चल रहा है और दोस्तों उसके लिए मैं सीरीज बना रहा हूँ। तो दोस्तों आज की सीरीज में मैं आप सभी को जो हमारे हॉल नंबर 7 ABC है यहाँ पे आप देख सकते हो ये दिखाने वाला हूँ। हम सेपरेट चारों हॉलों के वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे हमें कौन कौन से ब्रांड मिलने वाले। तो आप मेरे पीछे आइए और यहाँ से चल के देखते हैं अंदर कौन कौन से ब्रांड हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो मेरी एंट्री होती है, यहाँ पे हमें अपना कार स्कैन वगैरह कराना होता है, इनको दिखाना होता है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे हम एंट्री करते हैं तो कुछ इस टाइप से हमारा हॉल है और जस्ट घुसते ही हमारे हॉल के अंदर फ्रंट में आप देख सकते हो यहाँ पे नारायण का जो है बूथ है यानी कि NX ऑडियो का हमारा। सो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि NX ऑडियो के हमारे यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। थोड़ा पार्ट बाय पार्ट मैं इसलिए भी बना रहा हूँ ताकि आपको एक डिटेल में वीडियो मिल जाए जो हमारी ये होने वाली एग्जीबिशन की। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इधर हमारे काफ़ी सारे नेटवर्क प्लेट्स वगैरह रखे हुए हैं। इधर आप आगे आके देख सकते हो काफ़ी सारे कंट्रोलर्स है, इक्वलाइजर्स है, माइक्रोफोन्स है, नेटवर्क्स है। सो आगे चलते हैं, इधर आप देख सकते हो हमारे स्पीकर्स आ गए हैं। सो इधर आप देख सकते हो NX ऑडियो के जो रुद्र स्पीकर्स होते हैं हमारे, ये आप देख सकते हो 18 इंची में 1200 वोट का आ गया। ये आप देख सकते हो 400 वोट का आ गया हमारा 15 इंची में। ये आप देख सकते हो हमारा 400 वोट 12 इंची में आ गया। इधर कुछ हमारे मिक्सर्स लगे हुए हैं, इधर एक कंट्रोलर हो गए हमारे। सो नाउ इधर की साइड आते हैं। सो इधर कुछ एक्टिव हमारे सिस्टम्स रखे हुए हैं, इधर आप देख सकते हो। अभी फ्रंट से भी देखेंगे, थोड़ा अंदर आएंगे और आगे चलते हम। तो इधर हमारे आ गए हैं और स्पीकर्स कुछ, तो मॉडल आप देख सकते हो इनके, ये PD 1855 हो गया हमारा, आप इधर आके देख सकते हो 2000 वॉट की RMS पावर है इसकी। और ये देख सकते हो आगे, और यहाँ पे कुछ हमारी ये HF हो गई 100 वॉट की है, इंदिरा के नाम से आई है। ये आप देख सकते हो ये भी 60 वॉट की हो गई। तो यहाँ पे अगेन हमारे कुछ सिस्टम्स बने हुए हैं, आप देख सकते हो। पहले मैं आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ इधर से आके, आप देख सकते हो नीचे। तो इधर आप देख सकते हो और ये कैबिनेट के आप आगे क्वालिटी देख सकते हो आगे इधर, ये आप कैबिनेट की क्वालिटी देखिए। सो आप टॉप देख सकते हो किस हिसाब से यहाँ पे आपको मिलते हैं। सो ये भी हमारा टॉप हो गया डबल का, इधर आप क्या देख सकते हो आगे। सो हैंडल आप इसका देखिए, हैंडल आपको कैसा मिलता है। सो अगेन बैक साइड आ गए बूथ के, बूथ के अंदर एंटर करेंगे तो बैक साइड में कुछ ऐसे हमारे होल्डिंग्स लगे हुए यहाँ पे। और अगेन यहाँ पे हमारे कुछ मॉनिटर्स वगैरह आप देख सकते हो, इधर ही आ गए हमारे टॉप आ गए हमारे, ये ब्लू बेस के नाम से जो भी आ रहे हैं इधर आप देख सकते हो। ये ब्लू बेस का जो हमारा नया ब्रांड लॉन्च किया है नारायण ने ब्लू बेस के नाम से, तो ये आप देख सकते हो। ये हैंडी भी है, यहाँ पे आपको ऊपर हैंडल मिल जाता है कुछ इस टाइप से। और अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू बेस के नाम से हमारा जो है स्पीकर आ गया है, 4000 वॉट की जो कंटिन्यूस प्रोग्राम पावर है, AES पावर 2000 वॉट की 8 ओम का है। मॉडल इधर आप देख सकते हो, यहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह आप देख सकते हो किस हिसाब से मिलता है। और अगेन देखो 21 इंच का स्पीकर है हमारा, और इधर भी हमारे कुछ प्रोडक्ट्स आ गए, तो ये आप देख सकते हो इधर। तो अगेन अब यहाँ पे आते हैं, ये हमारे लेवोचे के जो स्पीकर्स होते हैं वो आ गए हैं सारे। ये हमारा 18 इंची के हो गए, ये हमारा 3000 वॉट है, ये हमारा 1600 वॉट है, ये देख सकते हो आप। ये हमारा मॉडल इसका देख सकते हो 1600 वॉट का हो गया 15 इंची में, ये हमारा हो गया 3000 वॉट का 18 इंची में। और नीचे आते हैं तो कुछ इस टाइप से आपको नियो मैग्नेट के साथ मिलता है, आप मैग्नेट देख सकते हो क्या ह्यूज साइज़ की मैग्नेट है इसमें। सो इधर इसका आप मॉडल नंबर देख सकते हो ऊपर आके, तो 4000 वॉट का है ये देख। तो कुछ छोटे स्पीकर्स भी हमारे यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे ये हो गया हमारे 15 इंची के, अगेन 1400 वॉट में। ये हो गया हमारे 1000 वॉट में, मॉडल नंबर ये देख सकते हो। ये हमारा हो गया 500 वॉट में, 12 इंची है, 10 इंची है। और यहाँ पे कुछ जो हमारे सीलिंग स्पीकर्स होते हैं वो भी हैं कुछ इस टाइप के, ये 6 इंची के होते हैं 100 वॉट। आगे आते हैं कुछ इस साइड, इन्होंने अपने जो सिस्टम्स होते हैं इनके वो अरे वो यहाँ पे डिस्प्ले में लगा रखे हैं कुछ इस टाइप का, आप देख सकते हो। ये भी हमारे ब्लू बेस के नाम से है, सो यस। अब आगे चलते हैं और एम्पलीफायर्स पे, तो इधर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से जो हमारी NX की डिज़ाइन होती है जो एग्जीबिशन को लगाने वाली, वो हमारे ऐसे एम्पलीफायर्स यहाँ पे अरेंज करे गए हैं। EX1400 हो गए ये, या QX2500 MK2 देख सकते हो, XT7000 हो गया, XT5600 हो गया, DJ801 हो गया, और RX3000 हो गया। अगेन कुछ प्रोडक्ट्स इनके यहाँ पे हैं इधर की साइड, जो हमारे मिनी मिक्सर्स होते हैं, ये आप देख सकते हो कितना कॉम्पैक्ट साइज़ का मिक्सर है, बड़ा प्यारा सा मिक्सर है देख सकते हो, वाइट फिनिश में है, साइड में यहाँ पे प्लास्टिक की बिल्ड है, ये सारा मेटल में हमारा डिस्प्ले वगैरह सब मिलता है। अगेन फिर ये आ गया हमारा, और ये हमारे बड़े मिक्सर हैं। अब कुछ हमारे एम्पलीफायर जो पावर एम्पलीफायर से आगे लगे हुए हैं मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो इधर आप देख सकते हो
इंडियाज फेवरेट पावर एम्पलीफायर। सो इधर आगे हमारे जो मोस्ट पॉपुलर जो सीरीज होती है हमारी MT सीरीज, MT 1201, MT 2201 हो गया, MT 1601 हो गया और ये MT 1801 हो गया। तो चार टॉप सेलिंग पावर एम्पलीफायर्स के मॉडल है NX Audio की तरफ से, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो अगेन इधर कुछ हमारे एम्पलीफायर्स लगे थे, सो इधर की साइड देखते हैं। तो कुछ जनरली हमारे जो पावर एम्पलीफायर्स होते हैं वो पी एम्पलीफायर्स होते हैं, वो इस साइड हमारे रखे हुए हैं। इधर आप देख सकते हो रॉक सीरीज़ के नाम से उन्होंने निकाले हुए, रॉक 60, रॉक 120, रॉक 300, रॉक 2502, रॉक 501, तो ये सब आप देख सकते हो। सो दोस्तों यही है जो यहाँ पे हमारा एग्जीबिशन में डिस्प्ले में लगाया हुआ है। अब किसी और स्टॉल पर चलते हैं, क्योंकि हमने एंट्री करी थी NX का स्टॉल यहाँ पे, तब आगे चलते हैं। तो स्टॉल को वैसे मैंने आपको दिखा दिया, देखो किस हिसाब से लोगो वगैरह लगा रखा है। इधर आप देख सकते हो कुछ हमारा गीगाट्रॉनिक्स के नाम से है, तो काफ़ी सारे इनके ब्रांड्स, ऑडियो टेक्नीशिया है, जेलेनेक है, टेनॉय है, लैब ग्रुपेन है, TC इलेक्ट्रॉनिक है, मैनहैटन है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप इधर जो हमारे ये मिक्सिंग कंसोल्स है किस लेवल के हैं, कितने ह्यूज है, और इनके फ्लाइट किस भी आप देख सकते हो। सो ये आप देखिए, तो डिस्प्ले वगैरह देखिए, इनकी डिस्प्ले आपको कैसी मिलती है, ये मिडास का है हमारा। इधर भी आपको डिस्प्ले मिल जाती है हमारी, काफ़ी सारी डिस्प्ले बनी हुई है और इधर मेन हमारी डिस्प्ले हो गई। सो ये देख लिया आपने। तो बाकी मिक्सिंग कंसोल्स है, बैरिंग जैसे हमारे प्रोडक्ट्स हो गए, टर्बो साउंड हो गया। अब आगे चलते दोस्तों, इधर आ जाइए आप। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा साई साउंड स्टैंडर्ड का आ गया, प्रोटेक ऑडियो के नाम से इनका। तो इधर इनके प्रोडक्ट्स है, सो इनके भी कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लाइनरी सिस्टम्स हमारे रखे हुए हैं, और इधर से आते हैं इनके, इधर आ जाइए आप। सो ये देखिए साउंड स्टैंडर्ड की जो हमारी मैक सीरीज़ आई है, 4300, 4800, 7200, 7800, तो कुछ इस टाइप से डिज़ाइन है। देखिए थोड़ा फ़ैन के लिए स्पेस वगैरह के हिसाब से बनाई हुई है, थोड़ा डिज़ाइन डिफरेंट है इनका। नेक्स्ट हमारी आगे जो TX सीरीज़ चलती है, 2400, 3600, ये वाली कुछ नई सीरीज़ है। इधर आप देख सकते हो ये 4 चैनल्स के हमारे, ये डुअल चैनल्स हुए, वो हमारे डुअल चैनल्स थे। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ और मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ जो हमारी है, CA 12, 18 और 20, तो इसके अंदर यहाँ पे देखो ओपन करके रखा है ताकि आप अंदर पार्ट्स देख सको किस हिसाब से मिलते हैं। तो ये हमारे ट्रांसफॉर्मर वगैरह, मॉसफेट वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे सर्किट्स देख सकते हो किस हिसाब से इन्होंने अरेंज कर रखे हैं, और जो वायर्स हैं हमारी वो किस हिसाब से इनको अरेंज कर रखी है। इधर हमारे ये कैपेसिटर्स वगैरह देख सकते हो, ट्रांजिस्टर्स वगैरह देख सकते हो। तो नेक्स्ट आ गए हमारे CA 20, 12, ये भी वो एक्चुअली हमारी न्यू सीरीज़ होगी, क्लास एच है ये हमारे, और ये भी क्लास एच है, ये भी हमारी, ये काफ़ी पॉपुलर पहले से चलते हुए आते थे, CA 20, 12 रखे हुए हैं। इसके आपको कुछ ऐसे अंदर से मिलते हैं। नेक्स्ट आप इधर देख सकते हो विद डिस्प्ले के साथ है, ये भी क्लास एच के हमारे, CA 9, 12, 18, 20, और ये देखिए आप। सो वही लगा रखे हैं, और आगे भी कुछ इस टाइप से स्लिम मॉडल्स में भी आते हैं जिसकी क्लास चेंज हो गई है, तो इधर आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा ये आ गया LA सीरीज़ के। अब अंदर आ रहे थे, थोड़ा इधर की साइड देखते हैं। ये हमारा ऑडियो स्टैंडर्ड है, उनके एम्पलीफायर्स हैं, तो ये देख सकते हो MT 4500, 5500, 1201, 1601। अगेन ये VP सीरीज़ है इनकी, ये 6000, 12000, ये भी सेम है, और XT सीरीज़ आ गई। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो काफ़ी सारे एम्पलीफायर्स हैं, और ये जो काफ़ी ट्रेंड में चलते आ रहे हैं, जो हमारे डाइट सीरीज़ चल रही है आजकल, काफ़ी हल्के ये होते हैं, तो उस टाइप के आपको मिल जाते हैं। सो ये आप देख सकते हो। इधर हमारी HF सर आती है, तो HF भी काफ़ी सारे मॉडल्स है इधर, चलिए। और इधर हमारे स्पीकर्स आ जाते हैं, स्पीकर्स आप देख सकते हो। खैर यहाँ पे प्राइजेज़ वगैरह नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, हमें और भी वीडियो कवर करनी है। सो इधर स्पीकर्स देख सकते हो आप, हमारे 12 इंची से स्टार्ट हो गए, 15 इंची आ गए, 18 इंची आ गए, और ये हमारे 21 इंची तक जा रहे हैं, ये आप देख सकते हो। और आगे हमारे कुछ पोर्टेबल स्पीकर टाइप आ जाते हैं, ये पी ऑडियो के हमारे, इधर आप ऊपर देख सकते हो ये। सो ये सब उधर हमारे कुछ पार्ट्स होंगे, जैसे डायफ्राम कनेक्टर्स वगैरह एंड ऑल। और इधर की साइड आप देख सकते हो, इधर हमारे मिक्सिंग कंसोल्स आ गए, मिक्सर्स आ गए, और इधर हमारी HFs वगैरह, वायर्स वगैरह। तो बेसिकली एक जनरल है, मतलब जो भी ब्रांड है ये, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें वाइड रेंज में कवर करते हैं, इन्होंने अपने सारी चीज़ें लगा रखी है। प्रोटेक जैसे इनका, जैसे मैंने बताया प्रोटेक के एम्पलीफायर्स वगैरह इधर आ चुके हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल पर, थोड़ा वीडियो लंबी बनेगी लेकिन डिटेल में बनेगी, आप सभी को मज़ा आएगा। सो आगे चलते हैं, तो मैं आपको दोस्तों जो मेन जो ब्रांड्स है ना वो ही दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हो सी कैसे कोस्टिक्स के,
सो ये रहे हमारे मॉनिटर्स वगैरह, स्पीकर्स वगैरह भी ये देख सकते हो, टॉप के टॉप वगैरह बने हुए हैं, 10 इंची के भी हैं ये देख सकते हो, 15 इंची के सिंगल में है ये। सो अब चलते हैं दोस्तों आगे, और क्योंकि दोस्तों ABC जो हॉल है वो थोड़ा सा छोटा हॉल है रिगार्डिंग FGH जो हमारा हॉल है उससे, और जो हमारा D वाला हॉल है वो लाउड वाला हॉल है, और E वाला हमारा लाइटिंग वाला हॉल है। सो ये कुछ कैपिटल साउंड सिस्टम है, और ये न्यूट्रॉन के भी आप देख सकते हो, ये नीचे हमारे रियल ऑडियो के प्रोडक्ट्स आ गए सारे यहाँ पे। इन्होंने फ्रंट में देखो कैसे मिक्सर्स को अरेंज कर रखा है, ये न्यूट्रॉन के है, इधर देख सकते हो, उधर भी आपको वो देख सकते हो सारे जो भी वो रियल ऑडियो का सामान वगैरह आ गया उधर। आप इधर आए थे दोस्तों, यहाँ पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे माइक्रोफोन्स हो गए वायरलेस, एंड इधर आप देख लीजिए जो हमारे इधर की साइड, ये देखिए जो क्रिस्टल के नाम से है, क्रिस्टल्स के नाम से है क्विक ट्रस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली ये केबल्स वगैरह हो गए हमारे, ये सब है, और ट्रस्ट वगैरह का इनका मैनेजमेंट है पूरा। तो ये है, और ये हमारा आ गया, आप इधर देख सकते हो साइन स्टेज इलेक्ट्रिकल्स। तो दोस्तों ये भी मल्टी ब्रांड्स में डील करते हैं, इनका एक प्रॉपर शॉप होगी तो मल्टी ब्रांड में डील करते हैं। ब्रांड्स आप देख सकते हो वहाँ पे कितने सारे लगे हुए हैं, सो हमें ब्रांड्स मिलते रहेंगे, उनमें ही पूरी कवरेज कर लेंगे। तो इधर आप देख सकते हो, आगे आ जाइए। तो अगेन हम घूम फिर के देखिए, NX का बूथ उधर आ गया, तो इधर की साइड जाते हैं। हाँ, अब अपना आहूजा जो है, आहूजा पर दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो भी शूट करूंगा, लेकिन ओवरव्यू जैसे NX का दिया है मैंने, तो वो भी मैं आप सभी को देना चाहूंगा ताकि आपको एक प्रॉपर्ली समझ में आए। तो दोस्तों आहूजा का बूथ देख सकते हो इधर, और इधर हमारे ये आ गए आहूजा के, देखिए मिक्सर्स सब देख सकते हो, मॉडल वगैरह प्रोफेशनल मिक्सर है ये, देखिए आप ये मिक्सर आ गए हमारे। अब दोस्तों इधर की साइड आइए, मैं आपको जो मेन इनके होते हैं एम्पलीफायर्स, स्पीकर्स, जो प्रॉपर जो कंप्लीट सिस्टम्स होते हैं वो भी दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ से हम देख सकते हैं एम्पलीफायर से, तो LX है 1400, ये देखिए ये स्लिम डिज़ाइन के अंदर हमारा एम्पलीफायर आया है, और ये वाला देख सकते हैं LX से 2000। बेसिकली इनके डिटेल्स यहाँ पे ऊपर मेंशन है, तो यहाँ पे सारे एम्पलीफायर्स हो गए। इनकी डिटेल में दोस्तों वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा, इसलिए मैं इसमें डिटेलिंग में कवर नहीं कर रहा, तो ओवरव्यू एक लेते हैं। अब आगे चलते हैं, सो इधर की साइड हमारे देखिए कुछ और एम्पलीफायर्स लिखे हुए हैं, जो पी एम्पलीफायर्स, इधर माइक्रोफोन्स हो गए हमारे, और इधर आइए, और इधर की साइड आप देख सकते हो ये भी हमारे पी एम्पलीफायर्स हो गए हैं, और फाइनली इधर हमारे स्पीकर्स रखे हुए हैं, ये हमारे स्पीकर्स हो गए इधर, तो इनको भी अलग वीडियो में कवर करेंगे। आप ओवरव्यू ऐसे देख लीजिए स्पीकर्स के कितने सारे यहाँ पे रखे हैं। अब फ्रंट में चलते, थोड़ा फ्रंट में मैं आपको इनके जो कंप्लीट सिस्टम्स है वो दिखाता हूँ। आ जाइए आप मेरे पीछे दोस्तों, रश यहाँ पे आप देख सकते हो कितने विजिटर्स आए हुए हैं यहाँ पे, तो थोड़ा मैं बाहर निकल दूँ। सो इधर आप फ्रंट से देखिए, जो यहाँ पे हमारे टॉप के हिसाब से अरेंज करे गए हैं, रखे हुए हैं, ये हमारे टॉप आ गए। अगेन जो इनकी वोल्टेज वगैरह डिटेलिंग में प्रॉपर जो इनकी क्वालिटी है डिटेलिंग वगैरह, वो अलग वीडियो में शूट करने वाला हूँ। सो ये आप देख सकते हो हमारे टॉप आ गए हैं, और इधर हमारे बेस आ गए हैं, ये बेस आप देख सकते हो ये, और इधर हमारा मॉनिटर हो गया, ये लाइनर हो गया, ये पोर्टेबल ट्रॉली हो गए, और उधर कुछ हमारे देख सकते हैं वाटर प्रूफ सिस्टम्स भी है, और इधर आप देख सकते हो इधर हमारा ऑडियो रूम का ये बूथ आ गया है, और उधर हमारा Beta 4 का है, क्यूब का है, तो उधर भी एक बार आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा जो बूथ आ गया है Beta 4 का आ गया है, तो इधर भी आप देख लीजिए इनके जो एम्पलीफायर्स वगैरह, इधर ये आप इनके एम्पलीफायर्स देख सकते हो, Beta 4 के ब्रांड से आ रहे हैं, ये भी Beta 4 के ब्रांड से आ रहे हैं। VX6000 है हमारा, MT1801 है, 10K4 है। उधर स्पीकर्स रखे हुए Beta 4 के, और इधर आप देख सकते हो ये डेमो के लिए सिस्टम्स लगाए हुए हैं इनका। मैं एक्चुअली आपको कैबिनेट की क्वालिटी दिखाता हूँ। सो बेसिकली ये तो हमारे टॉप हो चुके हैं, देखो डिज़ाइन अलग अलग है दोनों के, ठीक है। ये हमारा बेस हो गया है, आप इसकी ग्रिल देख सकते हो किस हिसाब से आप इसकी ग्रिल मिलती है, और इसमें स्पीकर्स आप देखिए दो टेपर में स्पीकर्स मिले हुए हैं। चलिए, और बहुत सारे एम्पलीफायर स्पीकर्स हैं, तो शायद मैं इसकी अलग वीडियो भी कवर करूँ। तो आप बूथ देख सकते हो यहाँ तक कैसा है, और अगेन यहाँ पे देखिए क्यूब आ गया हमारा, आप उधर से हम थोड़ा एग्जिट कर लेंगे। यहाँ पे क्यूब का देख सकते हो, आप ये क्यूब हो गया, माइक्रो हो गया, ठीक है। तो इनके भी जेनरिक प्रोडक्ट्स सारे हैं, मतलब लाइनर वगैरह, मिक्सर वगैरह, एम्पलीफायर्स वगैरह। हाँ, मोस्ट पॉपुलर एक ब्रांड जो हमारा है स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का बूथ देख सकते हो, स्ट्रेंजर का बूथ हमें ऐसा मिलता है। हाँ, अब की बार मैं स्ट्रेंजर की वीडियो सेपरेट बनाने की कोशिश करूँगा, बना दूँगा आप सभी के लिए, तो वो आप देख लेना। तो स्ट्रेंजर हमारा ये हो गया, और यहाँ पे हमारा हो गया ऑडियो प्लस हो गया ये, और इधर हमारे स्टूडियो मास्टर हो गया। सो दोस्तों अब यहाँ पे एक बीच में आपको स्टॉल मिल जाता है, आप देख सकते हो 4 स्टार है, और यहाँ पे कुछ पार्ट्स वगैरह रखे हुए हैं हमारे, जो हमारे स्पीकर के रिकॉर्डिंग पार्ट्स होते हैं,
तो यहाँ पे देख सकते हो 4 स्टार के नाम से है, और इधर स्वीटन के आ गए हमारे, तो स्वीटन के स्पीकर्स काफ़ी डिस्प्ले में लगे हुए हैं। देखो अब छोटे स्पीकर्स भी है, बड़े स्पीकर्स भी है, इतने छोटे छोटे स्पीकर्स भी हैं जो हमारे होम थिएटर्स वगैरह में लगते हैं ना उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा स्वीटन का बूथ हो गया। तो इधर आप देख सकते हो इन्होंने किस तरह डिज़ाइन कर रखा है, और आगे आप आ जाइए तो इधर हमारे स्पीकर्स वगैरह रखे हुए हैं, सारे स्पीकर्स का इनका मेन है जो भी है। और जो सामने आप देख सकते हो यहाँ पे एरोंस आ गया हमारा, तो एरोंस भी काफ़ी ब्रांड अच्छा है। एरोंस की मैं ट्राई करूँगा, वीडियो सेपरेट बना दूंगा। तो इनका थोड़ा सा मैं आपको बूथ दिखा देता हूँ एरोंस का। तो कुछ इस टाइप से आप देख सकते हो कैसे उन्होंने बना रखा है। उधर हमारे सारे एम्पलीफायर्स आ गए, उधर की साइड एम्पलीफायर्स आ गए, और उधर हमारे सारे स्पीकर्स वगैरह आ गए। तो अगेन सेपरेट वीडियो में कवर करते हैं, और इधर से अब एग्जिट करते हैं दोस्तों। इधर हमारा देखो डीजे प्लस के भी वो है, छोटे से जो छोटे एरिया के स्टॉल होते हैं, तो ठीक है, अच्छा है। अब दोस्तों इस वाले हॉल में मैंने आपको ओवरऑल जो भी ब्रांड्स थे सारे ऑलमोस्ट दिखा दिए, तो अभी फटाफट से बाहर जाके ना हम इस वाली वीडियो को कवर करते हैं, एंड करते हैं। देन अगली वीडियो में हम कवर करेंगे डी वाला हॉल, मतलब डी वाला जो हमारा हॉल है वो लाउड हॉल है, और फिर उसके बाद हम जाएंगे एफ जी एच पे। और एक चीज़ दोस्तों मैं बताऊँ, हमारा जो एफ जी एच में ATA प्रो के बूथ के ऊपर ना गिव अवे चल रहा है। हमने तीनों दिन एग्जीबिशन के, मतलब 21 तारीख 22 तारीख 23 तारीख, हमने तीनों दिन एग्जीबिशन में वहाँ पे बूथ के ऊपर गिव अवेज रखे हैं। मतलब 21 विनर्स निकालेंगे पर डे, 7 विनर्स जो कि हम जो गिव अवे में यहाँ पे एग्जीबिशन में आए हैं उन्हीं के बीच से हम विनर्स निकालने वाले हैं। तो उसकी वीडियो भी सेपरेट बना दूंगा, शायद इससे पहले उसकी वीडियो आ गई होगी, तो आप देख लेना। पूरी एक सीरीज बना रखी है प्लेलिस्ट की इंडियन डीजे एक्सपो 2020 के नाम से। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी एग्जिट आ चुकी है, यहाँ की वीडियो मैं एंड करता हूँ। अगली वीडियो आप देख सकते हो, आपको प्रॉपर जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। सो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगली वीडियो का वेट कीजिए। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।